वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। ये 8 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के लिए है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है अप्लाई यूलर्स मेथड टू सॉल्व फॉर वाई एट एक्स इक्वल्स टू 0.6। यूलर मेथड से इसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू निकालना है 0.6 पे। फॉर डी वाई बाई डी एक्स, जो डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वो है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 एक्स वाई। और बाउंड्री कंडीशन आपको दिया गया है वाई 0 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पास इंटरवल की वैल्यू भी दिया हुआ है कि h की वैल्यू आप 0.2 लेकर के चलेंगे, 0.2 लेकर के चलेंगे। आपको पॉइंट टू, एच की वैल्यू 0.2 लेकर के चलना है, और कहाँ तक पहुँचना है, 0.6 तक पहुँचना है। तो इन दोनों में इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो कितने स्टेप के बाद आप पहुँचेंगे। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन 0.2 पर निकलेगा, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन 0.4 पर निकलेगा, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन 0.6 पे निकलेगा। इनडायरेक्ट रूप से आपको ये बोला है कि थर्ड अप्रॉक्सीमेशन तक इसकी वैल्यू आप फाइंड कीजिए। समझ में आ रहा है, वाई की वैल्यू कहाँ निकालना है, 0.6 पे निकालना है, और एच की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है। तो यहाँ से कितने स्टेप के बाद आप यहाँ पहुँचोगे, 0.2, सेकेंड स्टेप में 0.4, थर्ड स्टेप में आप 0.6 में पहुँच जाओगे। तो टोटल स्टेप्स की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, है ना। तो सॉल्यूशन देखो, यहाँ सॉल्यूशन बाय यूलर्स मेथड वी नो y n = y n-1 + f, h f x 0 + n-1 h, और ये हो जाएगा y n-1। ये आपको मालूम है, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। गिवन में क्या है, देखिए आपको ये जो dy वाई बाई डी एक्स है, जिसको हम एफ एक्स वाई भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 माइनस 2 एक्स वाई, ये दिया हुआ है, है ना। बाउंड्री वैल्यू कंडीशन, एक्स जीरो की वैल्यू 0 दिया हुआ है, वाई 0 की वैल्यू भी 0 दिया हुआ है, एच की वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू 0.6 पे निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप जो होगा वो होगा 3, ठीक है। ये समझ में आया, एक बार 0.2 पे निकालेंगे, दूसरे बार 0.4 पे निकालेंगे, तीसरे बार में यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन बाय यूलर्स मेथड, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकाल रहे हैं, पुट n इक्वल्स टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। यहाँ से आप n इक्वल्स टू 1 निकाल रखिए, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकलेगा y1 = y0 + h, ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा x0, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 0h आएगा, और ये हो जाएगा y0, ठीक है। अब सभी की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा y1 = y0, y0 की वैल्यू कितना है, y0 = 0, प्लस h की वैल्यू कितना है, 0.2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपको फॉर्मूला के फॉर्म में ये दिया हुआ है, एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, यहाँ ये दोनों क्या है, x0 y0, ये हो जाएगा x0 y0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप पुटअप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.02, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0, क्योंकि x0 की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है,
तो ये हो जाएगा वाई वन इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू वन, तो वाई वन की वैल्यू कितना आ गई आपके पास 0.2। ये वाई वन की वैल्यू आ गई 0.2। ठीक है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पास लिख लेता हूँ, वाई वन इक्वल्स टू 0.2। ठीक है, अब अपन सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे। ये हो जाएगा सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, पुट एन इक्वल्स टू टू इन इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। फ्रॉम इक्वेशन वन आपको क्या मिलेगा सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में, ये हो जाएगा वाई टू इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस एच एफ, ये क्या हो जाएगा एक्स जीरो और टू माइनस वन, तो वन एच, और ये क्या हो जाएगा वाई वन। ठीक है, अब सभी की वैल्यू रखिए, वाई टू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वाई वन की वैल्यू 0.2, एच की वैल्यू कितना है आपके पास एच इज 0.2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 माइनस टू, एक्स की जगह में क्या हो जाएगा एक्स की जगह में एक्स जीरो प्लस एच, और वाई की जगह में क्या हो जाएगा वाई वन, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई टू इज इक्वल्स टू 0.2, ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 1 माइनस टू, और एक्स जीरो की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0.2 है, और वाई वन की वैल्यू भी 0.2 है। सभी को आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर दीजिए, कैलकुलेटर से सॉल्व कर दीजिए इसको, कैलकुलेटर यूज़ करिए, तो आपको y2 की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। क्या निकाल रहे हैं आप, y2 की वैल्यू निकलेगा 0.384, ये y2 की वैल्यू निकल गई। तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ लिख दे रहा हूँ, y2 इज इक्वल्स टू 0.384। ठीक है, ये हो गया 0.384। अब थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे, वो अपना फाइनल आंसर होगा, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन ही अपना फाइनल आंसर होगा। देखिए थर्ड अप्रॉक्सीमेशन कैसे निकालते हैं, अब जितने बार क्वेश्चन को बनाएंगे उतने बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। आप क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, पुट एन इक्वल्स टू 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा वाई थ्री इज इक्वल्स टू, तो यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ 3 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा वाई टू प्लस एच एफ, ये हो जाएगा एक्स जीरो 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2h, और ये हो जाएगा वाई टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई थ्री, वाई टू की वैल्यू आप पुट अप कीजिए 0.384 प्लस h की वैल्यू 0.2, और इसका फॉर्मूला आप इसके अकॉर्डिंग पुट कीजिए, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 एक्स की जगह में x 0 प्लस 2h, और ये y की जगह में यहाँ क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। सभी की वैल्यू पुट अप कीजिए, ये y3 इज इक्वल्स टू 0.384 प्लस 0.2, ये हो जाएगा 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 इंटू 0.2, 2 इंटू 0.2, और ये हो जाएगा वाई टू की वैल्यू 0.384, वाई टू की वैल्यू। सभी को आप कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए, यूज़ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो y3 मिलेगा आपको, y3 इसको पूरे को सॉल्व न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो 0.052256 ये आपको मिलेगा। ठीक है, ये y3 की वैल्यू मिलेगा।
थ्री में कहाँ तक ये पहुँच गया, पॉइंट टू से लेकर के पॉइंट टू, पॉइंट फोर, पॉइंट सिक्स। तो वाई 0.6, वाई की वैल्यू 0.6 पे कितना आएगा, 0.52256। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो यूलर्स थ्योरम में क्या है कि हम देखे थे, शुरू में ही देखे थे, यूलर्स का मेथड बहुत स्लो मेथड है। तो इसमें इसका प्रोसेसिंग बहुत स्लो है, स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए इंटरवल की संख्या अपन ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा स्टेप्स में इसको सॉल्व करते हैं, तब एक्यूरेसी की ओर आता है। लेकिन एग्ज़ाम में आप ज़्यादा करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लेगा, है ना, और मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यदि एग्ज़ाम में एच दिया हुआ रहता है तब तो ठीक है, अदरवाइज आप 4 to 5, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, इंटरवल की संख्या 4 to 5 लेंगे, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे पहले मैंने यूलर्स पे 2 वीडियो और बनाए हैं, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। तो कुल मिला के 4 या 5 क्वेश्चन हो गए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो यूलर्स का मेथड आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चाहे वो किसी भी कॉलेज के हों। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।